नमस्ते दोस्तों, मैं योगा लोकेश और आपने देखा मैं कपालभाति के स्ट्रोक्स कर रहा था। तो आज हम ये देखेंगे कि कपालभाति हमें कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। हमारी दैनिक दिनचर्या में हम बहुत सारे ऐसे विषैले पदार्थ जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं वो शरीर के अंदर ले लेते हैं। आज के समय में तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कपालभाति की। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स की फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर जा रहा है कोरोना वायरस। कपालभाति जब हम करते हैं तो वही वायरस हम बाहर निकाल देते हैं। कपालभाति, बहुत सारे लोग कपालभाति को प्राणायाम की फॉर्म में देखते हैं, लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, यह एक षटकर्म का एक प्रकार है जिसे हमारे हठ योग के टेक्स्ट में बताया गया। तो कपालभाति के भी तीन प्रकार हैं, इसमें से मैं बस आपको आज बताने वाला हूँ वह है हमारे पास में कपालभाति, वात कर्म कपालभाति। तीन प्रकार हैं, वात कर्म, शीत कर्म और वित कर्म, जिसमें से हम बात करेंगे वात कर्म कपालभाति। अब आपने ये भी देखा होगा कि कपालभाति को करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, उनकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कपालभाति को हमें कैसे करना चाहिए। तो सर्वप्रथम बैठने की स्थिति जो होगी आपकी, इस तरह से आपको सुखासन में बैठना है, दोनों हाथों को आप घुटनों पर रखें, ज्ञान मुद्रा में रखें, या आप नॉर्मली दोनों हाथों को ऐसे खोल कर भी रख सकते हैं, किसी और मुद्रा में भी रख सकते हैं। तो अभी यहाँ हम ये बात करते हैं कि जब आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, चिन जो है फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए, सिर ऐसे आगे ना झुका हो, सिर आपका पीछे ना हो, स्पाइन आपकी ऐसे बेंड ना हो। तो इन बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हम इन बात का ध्यान नहीं रखते हैं और कपालभाति करते हैं तो कपालभाति जब हम इस प्रकार से करते हैं तो आपको एक इशू आपके शरीर में उत्पन्न होता है, उस इशू का नाम है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि कपालभाति जो है हमारे स्टमक के लोअर एब्डोमेन से आपको कपालभाति के स्ट्रोक्स करना है, मतलब फोर्सफुली आपको कपालभाति के स्ट्रोक्स करना। तो कपालभाति के कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो नोज है, चेहरा आपका, फेस बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं है कि आप कपालभाति के स्ट्रोक्स कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं। कपालभाति के स्ट्रोक्स करने पर आपका फेस बिल्कुल रिलैक्स होगा और एक आनंद भाव में आप बैठे हुए होंगे, जैसे कि इस प्रकार से आपको कपालभाति के स्ट्रोक्स। स्टेप नंबर दो में आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी और फोर्स जो है लोअर एब्डोमेन से आपको फोर्स जनरेट करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, उस गैस्ट्रिक इश्यूज, उस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, अगर हम कपालभाति को सही तरीके से नहीं कर रहे। तो अभी आज के समय में, आज के सिनारियों में कपालभाति इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने भी षट कर्म हैं, षट कर्म में हमें सब कुछ दिया हुआ है। हमारा साइनस क्लीन होता है षट कर्म, जैसे जल नीति है, इनसे साइनस क्लीन होता है, आपका फूड पाइप क्लीन होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, बिग स्मॉल, सारे इंटेस्टाइन और सब कुछ क्लीन होता है, लेकिन हमारे लंग्स क्लियर नहीं होते हैं और वह कार्य मात्र कपालभाति करता है जिससे हमारे लंग्स क्लीन होते हैं। और आज के समय में हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ जा रहे हैं वो जा रहे हैं खाने से, इतना पॉल्यूशन है हवा से, सभी से इतने विषैले पदार्थ हमारे शरीर में जा रहे हैं, तो वह बड़ी समस्या है। हमें हमारे लंग्स को अच्छा रखना है, साफ रखना है, तो हमें कपालभाति करना होगी। और आज के टाइम में तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कपालभाति ही क्यों करें, क्यों? क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमने देखा कि कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है और हम ये सोचते हैं कि हम आज हैं शायद कल ना हो, तो
इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है आज के समय में, वो हमारे लंग्स हेल्दी हो, साफ हो, क्लीन हो, तो हमें उसके लिए करना है कपालभाति। आइए अब देखते हैं हम कपालभाति को कैसे करेंगे, वह सबसे पहले बिगिनर्स के लिए। तो जैसे लोग बोलते हैं कि कपालभाति हाई बीपी वालों को नहीं करना, हाइपरटेंस पर्सन को नहीं करना है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके स्ट्रोक्स बिल्कुल बिगिनर्स जैसे हो, स्लो स्मूथ रिदम, ऐसे आपको स्ट्रोक्स करने। तो यहाँ हम देखते हैं बिगिनर्स के लिए हमें कैसे स्ट्रोक्स करने। तो सबसे पहले मैं आपको बिगिनर्स के लिए स्ट्रोक्स बताता हूँ कैसे। तो बैठना आपको बिल्कुल ऐसे ही है, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी होगी, चेस्ट आपका वाइड ओपन होगा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। और बिगिनर्स के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, आप ज्यादा से ज्यादा 30 राउंड लगाइए स्टार्टिंग में, और धीरे 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 हम एडवांस फॉर्म में पहुंचेंगे। ऐसे नहीं है कि जैसे हमें बताया स्टैंडर्ड फॉर्म एक मिनट में 120 राउंड लगाने, नहीं 120 नहीं। अब दूसरी बात ये भी आती है कि सांस का क्या लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, उसमें कोई फोर्स नहीं करना, आपको जितना कॉन्सेंट्रेशन करना है वो फेंकने में। दूसरी बात ये भी है कि नोस्ट्रिल से जो साउंड बनेगा कैसा, इस तरह से, ना कि ये गलत साउंड होगा। अगर आपके वोकल कॉर्ड की आवाज आ रही है, अगर हवा जितनी भी लंग्स से बाहर आ रही है वो अगर आपके नेक मसल्स को के साथ फ्रिक्शन हो रहा है उसका, तो आपका वोकल कॉर्ड खराब हो जाएगा। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। तो बिगिनर्स का मैंने आपको बताया, उसके बाद हम आते हैं एडवांस फॉर्म में हम कैसे करेंगे। तो एकदम फास्ट मोड में देखिए कैसे हम करते हैं। तो सांस, सर्वप्रथम आपको सांस लेना है, इनहेल, इतना सा हमें स्ट्रोक्स करना है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, 120 राउंड तक जाएं, और स्टमक को बिल्कुल इन करें, ऐसे अंदर जाने दें। यह भी हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग गलत करते हैं, जैसे सांस लिया ऐसे कपालभाति करते। तो कपालभाति में आपको इस तरह से नहीं करना है, बस आपने सांस को बाहर फेंकना है, इतना सा काम करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन बाहर फेंकने में लगाना है, नोस्ट्रिल से साउंड बनाना है, सिर ऊपर नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब ये बात हम देखते हैं कि अगर आपको रिसेंटली कोई स्ट्रोक्स आया है तो आपको कपालभाति नहीं करनी है, प्रेग्नेंट वीमन को नहीं करनी है, एक्टिव हर्निया है तब नहीं करनी है, अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तब नहीं करनी है। हालांकि इपिलिप्सी में ये साफ साफ मना किया है हमको कि इपिलिप्सी में हम नहीं कर सकते हैं कपालभाति, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो अंडर सुपरविजन में करे, ज्यादा स्ट्रोक्स ना करे, इस बात का ध्यान रखें। अब हम ये देखते हैं कि इसको किन किन लोगों को करना चाहिए। तो डायबिटीज के लिए अच्छा है कपालभाति, स्लगिश लीवर के लिए अच्छा है कपालभाति, अगर आपको एसिडिटिक इशू है तब आप कीजिए, लेकिन हाइपर एसिडिटी में आपको नहीं करना है, इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि आपके डायबिटिक सिस्टम को तो दूर कर ही रहा है, आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा हेल्दी कर रहा है, जिससे आपका जो है स्टमक है वो बिल्कुल फ्लैट होगा। और कपाल का मतलब ही हम समझते हैं कि हमारा फोरहेड उसको क्लीन कर रहा है। तो देखिए ब्रेन का फ्रंटल लोब्स क्लियर होते हैं, फ्रंटल लोब्स मतलब आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो इस बात से हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा कारगर है, किन्हीं की याददाश्त कम है, मेमोरी कम है, तो उनको कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति ऐसा भी हम ये मान सकते हैं कि कपालभाति, और मैं तो कहूंगा मानना ही नहीं है आपको, कि कपालभाति ही एक ऐसा षट कर्म है जो लंग्स को क्लीन करता है। अभी देखिए कोरोना वायरस आपके शरीर में गया, जैसे ही वो जाएगा आप पूरे प्रेशर के साथ एक्सहेल कर रहे हैं तो वो वापस बाहर आ जाएगा, आपके शरीर में रुकेगा नहीं। तो हमें कोरोना से जो है डरने की जरूरत नहीं है। अभी जो ओमिक्रॉन चल रहा है वो तो बिल्कुल, उससे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कपालभाति हमने करना है और हमारे जीवन को एक स्वच्छ, सुंदर और स्वतंत्र जीवन बनाना है। तो यहाँ ये बात होती है कि कपालभाति करने के लिए सबसे पहले आपने बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप एडवांस फॉर्म में पहुंचेंगे, और एडवांस फॉर्म में आप चाहें 120 स्ट्रोक्स लगाएं 1 मिनट में, वो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो हैं कपालभाति को करेंगे और इस
समय जो हम हर जगह से हर तरफ से घिरे हुए हैं, हमें हर हर समय हर कदम कदम पर कोरोना वायरस की टेंशन जो है हर तरफ से घेरे हुए हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। कपालभाति से वो दूर हो जाएगी, किसी भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। कपालभाति जो है आपको एक अच्छा सुदृढ़ और अच्छा शरीर देती है। तो आप सभी घर वालों के या परिवार वालों के साथ में रहिए, सबका ध्यान रखिए और कपालभाति की प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में और हम बात करेंगे कि इस वायरस से हम योग के द्वारा कैसे निजात पा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप दबाएं, जिससे आपको नए वीडियोस जल्दी ही मिलेंगे। सभी को शांति।